गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने पढ़ा वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए। आज सीखेंगे तीन अक्षरों वाले शब्द। चलिए शुरू करती हूँ। अक्षर
हमेशा है तीसरा ऑप्शन। कौन है पहला ऑप्शन, फिर लॉ है दूसरा ऑप्शन, फिर तलापे सा है तीसरा ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को? फिर देखिए लॉ कलम कवन कलम के बाद लिखिएगा मटर, फिर लिखिएगा कमर, फिर लिखिएगा कसम, फिर लिखिएगा चटक, फिर लिखिएगा मदन, फिर लिखिएगा लटक मगन इसे देखिएगा क्या है तीन अक्षरों वाले शब्द। ठीक है, देखिएगा कैसे लिखेंगे, आर है पहला अक्षर, फिर मौत है दूसरा अक्षर, फिर नौ है तीसरा अक्षर। ठीक है, क्या हो गया अ म न अमन। ठीक है, फिर देखिएगा स र क सरक, फिर देखिएगा च म क चमक, फिर देखिएगा क म और ल कमल, फिर प व और न पवन, फिर देखिएगा ख व न हवन, फिर देखिएगा ग ग और न गगन, फिर देखिएगा न य और न नयन, फिर देखिएगा म ग और न मगन। इसमें भी देखिए क्या है, इसमें है क है पहला अक्षर, फिर ल है दूसरा अक्षर, फिर तलापे सा है तीसरा अक्षर। तीनों मिला के सुनाएंगे तीन अक्षर वाले शब्द, हो गए ना तीन अक्षर वाले शब्द क ल और तलापे सा। कलर्स क्या पढ़ेंगे, कलर्स। फिर देखिए क ल और म कलम, फिर देखिएगा म ट और र मटर, फिर देखिएगा क म और र कमर, पहला अक्षर क दूसरा अक्षर म और तीसरा अक्षर र। समझ में आ रहा आप लोगों को? फिर देखिएगा क स और म कसम, फिर देखिएगा च ट और क चटक। समझ में आ रहा आप लोगों को कैसे करना है, पहला अक्षर च दूसरा अक्षर ट और तीसरा अक्षर क चटक। ठीक है, फिर देखिएगा म द और न मदन,
और तीसरा अक्षर न। फिर देखिएगा क्या हो गया, मदन, क्या हो गया मदन। फिर देखिएगा ब, फिर देखिएगा त और ख, ब त ख बतख। फिर देखिएगा ल ट और क लटक। फिर देखिए म ग और न मगन। पहला अक्षर म, दूसरा अक्षर ग और तीसरा अक्षर न मगन। क्या हो गया मगन। इस तरह एक बार और पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अ म न अमन, फिर है स र क सरक, च म क चमक, फिर क म और ल कमल, फिर प व और न पवन, फिर है ह व और न हवन। फिर देखिएगा ग, ग और न गगन, गगन मतलब क्या होता है आकाश। फिर देखिएगा न य और न, नयन, नयन मतलब आँख। फिर देखिएगा म ग और न मगन, ठीक है। फिर देखिएगा क ल और तलाब कलश। फिर देखिएगा क ल और म कलम। फिर देखिएगा म ट और र मटर। फिर है क म और र कमर। फिर देखिएगा क स और म कसम। फिर देखिएगा च ट और क चटक। फिर म द और न मदन। फिर देखिएगा ब त और ख बतख। फिर है ल ट और क लटक। फिर देखिएगा म ग और न मगन। इसको अच्छे से लाइन भी लिखिएगा और पढ़िएगा भी, ठीक है। तब तक के लिए बाय।